أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ بعد زمد صلاة حضرات سامین قرآن شریف دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ترجمہ سماعت فرماؤ فرمایا ان اولا بیت وضع للناس بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین وہ مکہ میں ہے جو برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت والا ہے قرآن شریف دی سورہ آل عمران شریف دی آیت کریمہ نمبر 96 اندر اللہ کریم نے مکہ شریف اور کعبہ شریف دے فضائل عظمت ذکر فرمایا اس سے والد نالی کچھ گفتگو بے شک خدمت دعا ہے اللہ تعالیٰ زبان تے کلمت الحق جاری و ساری فرمائے فرما بے شک وہ پہلا گھر جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا خانہ کعبہ ہے حضرات مکہ شریف او وادی جنو وادی ام القرآ کیا جانتا ہے مکہ شریف دی دھرتی او جگہ ہے جدو اللہ نے زمین نو بنایا یا بچھایا تو سب تو پہلے اے جگہ بنائی اور کعبۃ اللہ او جگہ ہے کہ این اس تو اوپر بیت المامور فرشتیاں دا قبلہ ہے اور بیت المامور این اوپر اللہ دا عرش الہی رب کریم نے عرش اعظم دے نیچے فرشتیاں واسطے عبادت گاہ بنائی اور او دا نام رکھیا بیت المامور اس دے امام مقرر فرمائے جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام اور پھر این بیت المامور دے نیچے جڑی بندیاں واسطے انساناں واسطے عبادت گاہ مقرر فرمائی او دا نام رکھیا کعبۃ اللہ بیت اللہ کعبۃ اللہ ستنا زمین تک کعبۃ اللہ ستنا آسمانا اور
अर्श अजीम तक जगह ए मुकाम ए माहौल ए फिजा ए मुअत्तर ते मुतहर ते मुअंबर ते मुतबर्रक ए सारी तारीख है मुसलमानों की। अलहमदुल्ला सू इस गल तो फख्र करना चाहिए है। अगर असी मुसलमान हाँ तो असी इस प्रॉपर्टी के वारिस हाँ। अलहमदुल्ला ये मुसलमाना वास्ते सारी फजीलत ने। फिर सुभान अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान की हालत में मक्के से गुजर गया उसके सारे गुनाह माफ हो गए। फिर फरमाया जिस तरह आग की भट्टी जंग आलूद लोहे को जंग से पाक कर देती है, साफ कर देती है, इसी तरह मोमिन जब मक्के से गुजरता है तो मक्के की बरकतें मोमिन को गुनाहों से पाक कर देती है। तीसरी हदीस पाक फरमाया कि जो हरमैन करीमैन, एक हदीस में सिर्फ हरम मक्का की बात है, एक में हरम मदीना की बात है। हरम का माना है एक हरम, हरमैन तस्निया कसीगा इसका माना है हरम मक्का और हरम मदीना शरीफ। पर मैं जो हरमैन करीमैन की गर्मी पर सब्र करेगा अल्लाह उसे कब्र और हशर की गर्मी से महफूज फरमाएगा। इतनी फजीलतें हैं। फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन बुदी अली नास, अगली आयत में फरमा फी ही आया तुम बैनात, फरमाए इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, बैन निशानियां। सूरह आले इमरान आयत करीमा नंबर 97, फी ही आया तुम बैनात, इसमें बड़ी बड़ी बैन निशानी या अल्लाह वो कौन सी हैं। फरमाया मकाम इब्राहिम, एक मुकाम इब्राहिम, वमन दखलहू काना आमिना, जो काबे के अंदर दाखिल हो जाएगा अल्लाह ताला उसे दोजख की गर्मी से अमान नसीब फरमाएगा। अच्छा वलिल्लाहि अलन नास आगे फरमाया और लोगों पर हिज्जुल बैती मन इस्ततआ इलैहि सबीला, अगर रास्ते की इस्तताअत हो तो इस घर का लोगों पर हज फर्ज है। मन कफरा और जो इनकार करे फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला जान वालों से बेनियाज है। मतलब जिसको अल्लाह ताला की इन आयात बयनात और मुकद्दसात मुकामात की परवाह नहीं तो अल्लाह को उसकी भी कोई परवाह, तो गनी है बेनियाज है जान वालों से। ये तो फजीलती उनके लिए है जिनके सीने इन आयात को सुनकर ठंडे होते हैं, जिनके ईमान अल्लाह की निशानियों का जिक्र सुनकर ताजा होते हैं, जिनके जौक को झिला मिलती है। अच्छा दो निशानियां ने जिन्ना आयत करीमा अंदर जिक्र फरमा फी ही आयात बयनात, वैसे बड़ी निशानियां ने, मक्का शरीफ अंदर मुकाम इब्राहिम में, मुल्तजम में, सफा मरवाए, फिर मिनावी, अरफात शरीफ, सब अल्लाह की निशानियां। ये 8-9 मकाम ऐसे ने जिन्हें बारे हदीस पाक च आता कि इन मकाम से मंगी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कबूली फरमाता है। लेकिन इस आयत करीमा दे मुहद्दिसीन फरमाते हैं मुफस्सरीन कि जिन्हें दो निशानियों का जिक्र ना, वो एक मुकाम इब्राहिम है और एक हजर अस्वद है। हजरत अस्वद के बारे जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी ने फरमाते हैं कि हजरत अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ था तो ये दूध से ज्यादा सफेद था, इब्ने आदम के गुनाहों ने इसको स्याह कर दिया। लोग भूसा देते रहे, ये गुनाह चूस चूस के तरह रंग स्याह हो गया। रंग बेशक स्याह हो गया लेकिन ये बरकत कम है। जो बंदे बोल सकते हो कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ मुखातिब हूं, ये बरकत कम है नहीं हुई। दूसरी रवायत करीमा में जामे तिर्मिज़ी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरे अस्वद को दो आंखें अता करेगा और मैदान महशर में अल्लाह ताला इसको इजाजत देगा कि जिस जिसने तुझे भूसा दिया, सलाम किया या मस किया उसको पहचान कर सिफारिश कर दे, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। ये तो जन्नती पत्थर को कयामत के दिन इज्जत दिया जाएगा, उसको इकराम इज्जत और मुकाम दिया जाएगा कि जिस जिसने तुझे चूमा, जिस जिसने तेरे साथ प्यार किया, जिस जिसने तुझे सलाम किया, तुझे हमें शिफा दिया जाता है अपने सलाम और भरोसा देने वाले की बख्शिश कर। ये तो जन्नती पत्थर को मुकाम दिया जाएगा, हमारे आका जो जन्नत के सरदार है हुजूर को कितना मुकाम शिफा दिला दिया जाएगा। हजूर तो जिसकी तरफ इशारा फरमाएंगे उस पर अल्लाह की रहमत के नजारे हो जाएंगे। अच्छा फिर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल और सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है, आप अपने कन्ना दे हाथ रख के फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
कि अल्लाह ने दो पत्थर जन्नत से नाजिल किए, एक का नाम मुकाम इब्राहिम है, एक का नाम हजर अश्वद है। और जब ये दुनिया पर आए थे तो ये नूरानी थे, अल्लाह ने इनके नूर पर पर्दा डाल दिया है। अगर पर्दा ना डाला जाता तो ये दो पत्थर ही पूरी दुनिया को मनवर करने के लिए काफी थे। सानू इस गल फखर है, साडे ने मुकाम इब्राहिम मुसलमान ईमान वाले भरोसा देने वास्ते। जो अच्छा इतने एक रवायत सुन लो, एक साल नबी करीम अलैहिस्सलाम विशाल पाक तो बाद ना सरकार दे विशाल पाक तो पहले दे बाद नबी पाक सरकार ने जनाब अबू बकर सिद्दीक नू अमीर हज बना के भेजा। फरमाया सा इतने मसरूफ हाँ तुसी हज करो, हज दे जाके ते फरज सर अंजाम दियो। हज पहले पढ़ा जाता है लेकिन फर्ज बाद में है, इबादत पहले भी है लेकिन बाकायदा मुसलमान दे फर्ज बाद में। लेकिन उस वक्त की होता सी मुसलमान गैर मुसलम मुशरक सब इकट्ठे ही तवाफ करते सन। उन्होंने कुछ ऐसे मुशरक बदबख्त भी है सन जो बरहना नंगे तवाफ करते सन। अच्छा मुसलमान रोकते इस वास्ते नहीं सन, अगर रोकांगे तो चूंकि बाहर के मुल्क के इलाके च आते हैं तो यह बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता पैसा इकट्ठा होता, अगर रोकांगे तो यह निजाम जरा किवें चलेगा। बड़े अखराजात ने लोगों को ठहराण दे जाहिर है उस वक्त होंगे सवारियां से आज के तीन तीन चार चार महीने लग जाते सन, छे छे माह भी लग जाते सन। जिसले मुसलमानों ने बात ना गवार गुजरी के बच्चे मुशरक के बच्चे वो अपने पुतों को पुकार रहे ने, इधर अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इधर वहदहुल्ला शरीक रब को पुकारया जा रहा है। सीन नजदीक पाक नु गल गवारा ना गुजरी, जिसले वापस आए थे मुकाम मदीना शरीफ तो 11 मील बाहर एक मुकाम है, सरकार करीम अस्सलाम खुद जलवा फरमा हो गए अपने गुलामों की दिल जोई वास्ते, इस्तकबाल वास्ते नहीं बनता तो इस्तकबाल, लेकिन हुजूर दिल जोई वास्ते शफकत फरमान वास्ते कि मेरे गुलाम आ रहे हैं तो मैं इन्होंने दुआवां नवाजन वास्ते। उत्थे कुरान पाक की सूरा तौबा शरीफ की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐलान कर दो अज तो बाद कोई मुशरक जड़ा ना हो तवाफ ना करे, अगर तुहानू डर ना करे तुहानू कोई पैसे की कमी होगी या दौलत की कमी होगी अल्लाह ताला तुहानू अपने फजल ना करी फरमा देगा। अल्लाह गनीमतें अता फरमाएगा कि किस शय की कमी नहीं रखे। जनाब अली मुर्तजा सरकार ने ऐलान फरमाया सी अज तो बाद कोई भी मुशरक जड़ा खाने काबे का तवाफ नहीं करेगा, कोई नंगा बंदा खाने काबे का तवाफ नहीं करेगा, अगर कोई तवाफ काबा इस साल दर्ज करेगा उसके खिलाफ मुसलमान जिहाद करेंगे। यानी काबतुल्लाह की फजीलत है। इरशाद रब्बे कायनात फरमाएगा व लबैक युदि अलिनास लल्लजी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। फरमाया फीहि आयातुन बय्यिनातुन मुकामु इब्राहीम मन दखलहु काना मिना ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع إليه سبيلا। इरशाद रब्बे कायनात फरमाया बेशक लोगों वास्ते रब ने जिहड़ा पहला घर बनाया खाना काबा है। नबी पाक सरवरे कौलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जदों मोमिन मक्के विचों गुजरदा है खाने काबे च गुजरदा है यानी तवाफ काबा करदा है, हरमैन करीमैन की गर्मी बर्दाश्त करदा है, हरम मक्का दी सख्ती बर्दाश्त करदा है, उहदे सवाब दे अंदर अल्लाह गुनाह भी माफ फरमांदा है, उहनूं अल्लाह कब्र अशर दी गर्मी तों महफूज फरमाएगा। जरा काबे अंदर दाखिल हो जाता है अंदर दो दिवास्ते दो किस्म की अमान है, दुनिया के अल्लाह ताला दुनिया के अल्लाह ताला सवाब अता फरमा के बख्श फरमाएगा, हशर दे आले अल्लाह ताला उन्हें हशर की गर्मी तो महफूज फरमाएगा। खाने का भी अच्छा फिर सब तो पहले तामीर काबा हुई जनाबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। कुशवान अल्लाह को माशाल्लाह मैं पता लगे बंदे जागते बैठे दरूशी पढ़ो सलातो सलाम
हजरत आदम अलैहि सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले आए तो इबादत वास्ते कोई जगह मुकर्र करनी सी, अल्लाह की बारगाह चर्ज किया, रब करीम ने फरमाया कि ए जबरील तुसी जाओ मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम की खिदमत वास्ते। जबरील पाक अलैहि सलाम ने इंज रहनुमाई फरमाई कि अपने परां दे नाल जगह मखसूस की और अर्ज किया जी या नबी अल्लाह ए ओही जगह जिहड़ी ऐन बैतुल मामूर के नीचे वह, और बैतुल ममूर वह मुकाम है जिहड़ा बिल्कुल अर्श अजीम के नीचे है। इतने अल्लाह का घर बनाओ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले हज़रत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा वास्ते उसने जनाब इत्माम करना शुरू किया। अर्ज किया रब्बे कायनात मैं अकेला वहां तमीरत की काम से बड़ी मेहनत चाहिए है। रब्बे कायनात ने जनाबे हजरत जबरील पाक ने सलातो सलाम ने फरिश्तिया दे नाल भेजा। जबरील पाक ने अपना मुबारक पर लगाया असा अपनी जम मकानात बनाने बुनियाद खोदने हर बंदा चाहता है मेरे मकान की बुनियाद इन्नी मजबूत होवे कई नस्लां गुजर जाने मकान डोल लेना। रब्बे कायनात ने फरमाया पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ए मेरा घर कयामत तक रहना है, ए दिया बुनियादा असा सत्तां जमीना तक नीचे लैके जावांगे। जनाबे जबरील पाक सलाम ने अपना पर मुबारक लगाया बुनियाद खाने काबे की सत्तां जमीना तक बुनियाद खोदी गई। इंज करके जनाब जनाबे जबरील पाक ने रहनुमाई फरमाई हजरत आदम ने सलातो सलाम तमीर करते ने पंजा पहाड़ा दिया पत्थर मल्ला ने मुंतखब फरमाया। सब तो पहले तूरे सीना ने मुंतखब फरमाया जिथे अल्लाह ताला के जलवे जनाबे मूसा पाक अलैहि सलाम से पैने सन। फिर अल्लाह ताला ने जबले नूर जबले रहमत जिथे जनाब गारे हिरा शरीफ जिथे तुहाडे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बह के अल्लाह की इबादत फरमानी सी जिथे रब दे अल्लाह दे कलाम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कुरान पाक दा नज़ूल होना सी। जब जबले रहमत तूर सीना जी दी पहाड़ जिथे हजरत नूह अलैहि सलाम दी कश्ती आ गई थी वादी लबनान जिथे जनाब हजरत हजरत आदम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते उतरे सन और कोहे अबू कुबैस पंजा पत्थरां दे पहाड़ां दे पत्थरां दे नाल अल्लाह करीम ने जिसने तमीरात का सिलसिला शुरू कराना चाहिया। रब करीम दसना चाहता है जिहड़ियां जगह ते पत्थरां ते पहाड़ां नूं निस्बतां मेरे यारां ते नबियां नाल हो जांदियां ने अल्लाह नूं ओह जगह भी प्यारियां लगदियां ने उहनां पहाड़ां दे पत्थर भी अल्लाह नूं महबूब हो जांदे ने। जनाबे जबरील पाक अलैहिस्सलाम पत्थर लिया के दिंदे ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम लगाई जांदे मैं मारे अब्बल अल्लाह दे घर दे पहले मिस्त्री ते मजदूर ते मेमार मुबारक जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दा घर खाना काबा बनाया है। हालांकि आपकी जी रिहायशगा श्रीलंका के अंदर लबादी लबनान पहाड़ से आप उतरे उत्थे रिहायशी इतू चल के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए खाना काबा बनाने उतरे इतने सन। जबरील पाक ने हुक्म फरमाया भी तुम इतने बाबा जी पैदल चले सन ते बाद रिवायत के मुताबिक बाबा जी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कद जिहड़ा सी बाद रिवायत के मुताबिक इख्तलाफ भी हो सकता है वह 300 फुट सी 100 गज यानी कि 300 और आप अल्लाह ताला ने वसत और इज्जत मुकामी अता फरमाया सी। आप एक कदम मुबारक चुकते सन ते 40 मील की मुसाफत हुंदा सी ताहीं ते इन्ना सफर तय हो गया। आप 40 मील की मुसाफर तो 40 मरतबा आप उस अपने मुबारक मुकाम तो चल के खाने काबे तशरीफ लिया एक बार तामीर वास्ते दीगर 39 मरतबा फिर हज वास्ते तशरीफ लिया तवाफ वास्ते इबादत वास्ते और मुफस्सर फरमाते हैं कि मुख्तलिफ रास्ते जो आप गुजरे ने जिन्ना जिन्ना जगह से बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम लगे कयामत तक उत्थे कोई ना कोई शहर ते पिंड बस्ती आबाद होगी। नबी उल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों की मुबारक कदमों की बरकत है कि अल्लाह ने उन्होंने जगह को फजीलत अजमत तो खाली नहीं रहन जिथे बहुत बड़े शहर ने उत्थे आपने कयाम फरमाया जिथे छोटियां बस्तियां ने उत्थे आपके मुबारक कदम लगे मुख्तलिफ रास्ते जो आप गुजर के यानी यह मतलब है कि अल्लाह नू नबियां पाकां दे नाल इन्ना प्यार हुंदा जिथे नबियां का मुबारक कदम लग जाए अल्लाह उस जगह को बेआबाद नहीं रहन देता। इंज जो सीने अंदर नबियां दा प्यार आ जाए अल्लाह उस सीने नूं ईमान तो खाली नहीं रहण देंदा ठीक है ना। और फिर मुसलमान दा सीना है ही इतना वसी अल्लाह फरमांदा है कि मैं मेरी जात इतनी बड़ी है कि मैं सत्ता आसमाना च नहीं समांदा
क्यों समाए उहदी ज़ात इतनी बड़ी है ते उहदी मखलूक ने ते खालिक मखलूक विच समा सकदा नहीं। फरमाया मैं मेरी ज़ात इतनी बड़ी है कि मैं सत्ता ज़मीनां नहीं समा सकदा। हाँ अगर मेरा कयाम किसी जगह ते है तो वह कल्बे मोमिन है बंदा मोमिन का दिल है जिहदे अंदर अल्लाह ताला दी तजल्लियात दी जलवागा है। अल्लामा इकबाल फरमान दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफास्त आबरूए माज़े नामे मुस्तफास्त। अल्लामा कहता है कि यह बंदे मोमिन का दिल ही है जिहड़ा मुस्तफा की भी जलवा गाए ते सोहणे खुदा की भी जलवा गाए। इत्थे बाहू सुल्तान पाक की गल याद याद फरमाते ने ना रब खाने काबे मिले ना रब अर्श मौला ना रब इलम किताबी लबेया ना रब बच मेहराबे गंगा तैर थी मूल न मिले आ उठे पेंडे पे हिसाबे जदता मुर्शिद कामिल मिले बाहू छुट्टे कुल अजाबे जेड़ा गंगा बच तैरदा होंदा रब नूं इत्थों मिलेगा। जेड़ा जनाब फकत काबे दे अंदर अल्लाह दा मुतलाशी बाहू फरमान रब नूं नहीं मिलेगा। जेड़े नंगे खाने काबे दा तवाफ करते रहेंगे है मुशरिक सन पर कबीला कुरैश दा ताल्लुक रखण वाले बनी इसराइल दे लोक कहण लगे साडे दादे बाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने खाना काबा बनाया है असां रब नूं इत्थों लभदे आ। बाहू फरमांदे ने किसे नूं रब नहीं मिलदा रब ओनूं मिलदा है जरा मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। गंगा तैरती मूल न मिले उठे पेंडे बे हिसाबे हजूर सैयद आलमीन कुल आलमीन नबिया के मुर्शिद के उस्ताद ने जगता मुर्शिद मिले मेरा कामिल बाहू अते छुट्टे कुल अजाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ काबा फरमा रहे ने लोग काबे वाल वेख रहे ने क्योंकि अभी से करीमा है काबतुल्लाह दे उत्ते अल्लाह दियां 120 रहमतां नाज़िल हो रही ने 40 रहमतां उन्हां नूं मिलदियां ने जिहड़े काबे अंदर नमाज पढ़ रहे ने 60 रहमतां उन्हां नूं मिलदियां ने जिहड़े तवाफ काबा कर रहे दा मतलब है तवाफ काबा करना बड़ी फजीलत दा बायस है और 20 रहमतां सिर्फ उन्हां नूं मिलदियां ने लोग बड़ी लजाजत बड़ी नियाजमंदी बड़े अदब के तराम के कराम के अल्लाह के घर खाने काबे वेख रहे आपने मुखातिब करके फरमाया काबतुल्लाह तेरी इज्जत और हुरमत बड़ी है पर मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मत की इज्जत अल्लाह के घर काबे तो रिश्ते भी ज्यादा है। मुकाम काबे तो भी ज्यादा है। हाँ जी और हजरत
चूरा शरीफ से बैठे हो कोई मनन वाले है जी हिले जुले कोई नहीं फटके फुटके कोई सुबह अल्लाह को माशाला अपने आस्थाने का नाम आवे तो हरकत बरकत पैदा होनी चाहिए। हजरत बाबा जी नूर मुहम्मद चौराही तिराही नंबर अल्लाह मरकदा आप दे मक्तूबा शरीफ विच लिखिया है और किबला पीरे तरीकत रब शरीयत हजरत साहबजादा बदर मसूद शाह साहब गिलानी दामत बरकत मौलालिया वल कुदसिया आप दे तवस्सुत नाल आपने तहरीर दिखाई दी ते मैं लिखिया सी कि हजरत बाबा जी सरकार काबतुल्ला गए ते काबतुल्ला चल के इस्तकबाल वास्ते आया लेकिन हाथ नहीं अदा करते आपने दो कदम चुके नफल पड़े दो एक कदम चुकया फिर दो नफल पड़े फिर कदम चुकया फिर दो नफल पड़े पलख बुखारे दो काबतुल्ला मक्का पाक पहुंच दिया 14 साल लग गए इस तरीके अल्लाह का कामिल दरवेश अल्लाह का फकीर काबे की ज़ियारत वास्ते जा रहा है इस तरीके काबे का अदब कर दिया जा रहा है जनाबे रब्बे बसरिया रहमतुल्लाह ताला ने अल्लाह दी कलिया ने जो जनाब इब्राहिम सरकार बलखी बादशाह जिहड़े आप काबतुल्लाह के करीब गए वेखिया काबा नजर नहीं आ रहा फिर ख्याल किया या अल्लाह जिवें मैं खाने काबे आया वहां या अल्लाह जो कोई भी नहीं आया होगा शायद के बाद भी नहीं आ सके एडी लजाजत एडी मैं दीदार कर सका आई मेरे बंदे एक मेरी होर कामिल वली आए जड़ी तेरे तू ज्यादा मोहब्बत नियाज मंदी लेके आ रही है मेरा काबा मेरी बंदी गई इस्तकबाल वास्ते गया है। फिर सुल्तान बाहू सरकार ने फरमाया गंगा तैर थी मूल न मिले उठे पैंडे बे साबे जगदा मुर्शिदी कामले मिले या हजरत बाहू छुट्टे कल अजाबे शुक्र करो सब सलमान नबी पाक सरकार दे मोहब्बत वाले अकीदत मंदा अल्लाह पाक ने सब अहले सुन्नत जमात मसलक ते मशरब अता फरमाया हनफिया उस तो बाद असा सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बैठे होया सुनो नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा खाने काबे दाखिल होंदा है मोमिन होंदा है हालत ईमान वाला काबे दी फजीलत ते हुरमत इज्जत ते बरकत ते मुकाम ते रिफत है काबे ते दी पहली नजर जड़ी दुआ मंगता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। काबतुल्लाह की अजमत बरकत है लिहाजा साडे मुकद्दस मकाम आ अरे वो मकाम है कि इहदे अंदर नौ मकाम ऐसे ने कि जिन्हां ते मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमांदा है। हदीस पाक काबा करदिआं मंगी दुआ कबूल हुंदी है मुकामे इब्राहिम के कोल मंगी दुआ कबूल होती है मुकामे मुल्तजम जिन खाने काबे का दरवाजा किया जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हजरत मुजाहिद फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा कि वो दीवार काबा के साथ सिमट कर लिपट कर रो रो के दुआ मांग रहे हैं और मैं पीछे खड़ा था मुझे देखा तो फरमाया भैया का उम्मो तेरी माँ तुझे गुम पाए दीवार काबा के साथ सिमट जा लिपट जा रो के दुआ कर फरमाया ये वो मुकाम है कि यहाँ मांगी हुई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर सफा मरवा दी सई करन तो बाद जो खत्म हो जाए मरवा तो खत्म होती सफा तो शुरू की जाती उत्थे मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है मुकामे मिना थे अज के दौरान मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है अरफात शरीफ अंदर मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है उंज ते सारा हरामी बरकत आला है वो फरिश्तियां दी आमाजगा है अल्लाह दी सब तो बढ़ के रहमत उत्थे रहे इस वास्ते हाजी हजरात जानते हो ना ये उमरा करन वाले ते वो परेशान ना हो जाया करो उत्थे जाके नजदियां दी बेअदबी वेख के इस ख्याल रखिया करो ये वही जगह ने जिथे अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा रहे
हजूर दे हजारा सहाबा इकराम एक लख तो ज्यादा पाक साहब दे ते ताबईन ते तबा ताबईन दे कदम लगे। अच्छा दूसरी तमीर काबा जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर तूफान नूह आया जबरील पाक ने अजरस चुकिया ते एक पहाड़ दे गार छुपा दिता। तूफान इतना सी जमीन दे पड़ खुले आसमान तो बारिश हुई काबा शरीफ दीवारा मुबारक जी ने मुनहदम हो गई यानी गिर गई तो जिसने पानी उतरिया बुनियादा तो रेता चढ़ गया तो फिर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया फरमाया भाई इज़ रफ़अ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत फरमाया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे को बना रहे थे तो मिनल क़वाइद क़वाइद मौजूद थे क़वाइद से मुराद वो बुनियादे हैं फरमाया कवायद तो पहले मौजूद थे या अल्लाह मैं कितने बनावा कार रब करीम ने फरमाया जबरील पाक दूसरी एक आसमान तो बदल आएगा साया करेगा जिते साया रुक जाए उधर थले काबे की बुनियाद होगी। आसमान तो बादल आया जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे रुक गया आपने खोदिया रेता खोदिया रेत नीचे काबे की दीवारा से ओ दीवारा जिन्ना दे ना जिन्ना नू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले आदम पाक दे मुबारक हत्था ने मश कीता है आप फिर दोनों बाप बेटे ने ओ बनाया है। अच्छा कुदरत अल्लाह दी आप तमीर फरमा रहे ने ते एक पत्थर जगह आपने खाली छोड़ दी इस्माइल पाक अर्ज कीता बाबा जी ए जगह खाली छोड़िए इत्थे की लगाना फरमाया इत्थे भी एक पत्थर लगाना है दीवार मुकम्मल होगी छत नहीं अजे पाई थी अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लपन टोड़ पे साइज का पत्थर मैं लैके आवां लभदे लभदे ना कोई मेरे आ नहीं वापस तशरीफ लै आउंदे चिट्टे सफेद रंग का पत्थर नसब हो चुके अर्ज कीता अब्बा जी ये इतना खूबसूरत पत्थर सब पत्थरों तो जुदा है ये कितों मिल गया फिर कौन लैके आया फरमा बेटा यो लैके आया जो किसी की तमीर का मोहताज नहीं मतलब की फरमाया कि हजरत जबरील अमीन लैके आए ने और ये जन्नती पत्थर है जिन्होंने हजरे अस्वद किया जाता है। अब्बा जी ये फजीलत की फरमाया इसकी फजीलत यह है कि जो भी इसको बोसा देगा अल्लाह उसके गुना माफ फरमा देगा यानी ये गुना चूस लेगा इस तरीके से दूसरी तमीर हो गई फिर कबीला बनी जरहम जड़ा के हजरत हाजरा पाक दे वजना उत्थे आबाद हो गया सी बात लंबी टाइम खत्म हो गया उस कबीला बनी जरहम ने फिर तमीरे नोप की काबा शरीफ दी मतलब उस वक्त गुलाब मुबारक नहीं सी ते सख्त तूफान तो बारिश दे वजना पत्थरों के रंग जिहड़े ना वो कुछ इस किस्म दे हो गए कि वो जाज़बे नजर ना रहे तो कबीला जल बनी जरहम ने जनाबे उन्होंने औलादा आबाद सन उन्होंने दीवारा मुबारक शहीद करके दोबारा आज सारे अच्छे तरीके तमीर किया तीनों चौथी तमीर सरकारे करीम अलैहिस्सलाम दी एलान नबूवत तो पहले हुई पता जो हल्फुल फसूल का वाकया बड़ा मशहूर है किताबा अंदर उस वक्त कुरैश ने की लेकिन उन्होंने सरमाया कम सी जी हतीम अंदर जगह है ना हतीमे काबा जी कबार है जिसे खाने काबे का परनाला डिगता है ना मिजाबे रहमत ये जड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर फरमाई जनाबे इब्राहिम पाक ने कबीला बनी जरम तिना तमीरात ये जगह चौरस नहीं सी इस तरह ही सी गोली या उस वक्त जो भी तमीरात उस वक्त मुताबक जो कुरैश ने की थी ना कई सदियां गुजर चुकिया सन उस वक्त तो वो डिजाइन बदल चुका सी चुनुकने कान लग गए उन्हें क्या एक तो साढ़े को जोड़ा ना सरमाया कम है तो दूसरा सा जो इलाके या माहौल या साढ़े मुल्क इमारत का डिजाइन जोड़ा ना वो चार कोनिया वाला है तो क्यों ना असं वो जगह छड़ दीए उस मिजाबे रहमत उतार दी खाने काबे का परनाला ताकि रवि वो भी काबे शरीफ का हिस्सा से इमारत जी खूबसूरत हो जाए उच्चे दो दरवाजे रख दिए हर बंदा ऐरा घर दाखिल ना आवे जिहड़ा आवे बड़े अदब तजीम नाल स्पैशल वक्त होवे एक पास बंदे दाखिल हों दूसरे पास निकल जाए ये चौथी तमीर होगी पंजवीं तमीर जी ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया सरकार तो बाद छे साल हरमे काबा अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुकूमत कायम फरमाई उन्होंने फरमाई सी उस बाद फिर हज्जाज बिन यूसुफ आया उन्हें क्या कि जड़ा ना मैं दोबारा तमीर करांगा उस वक्त इमाम मदीना इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक सरकार मदीना शी मस्जिद नबी दे इमाम सन उन्हें फतवा दिता उन्हें फरमाया नहीं ये तो बादशाह का खेल बन जाएगा कि जड़ा आया अपनी मर्जी के मुताबिक तमीर करवाई नबी पाक सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मदीना शरीफ आप चले गए ने उस वक्त फरमाया आयशा सरकार फरमाया आयशा मेरा दिल करता है कि मैं काबे की तमीर आज सदे नो करूँ
लेकिन डर है कि जो मुसलमान लोग नए नए मुसलमान हुए हैं इनके मत जज्बात खराब ना हो जाएंगे। ये कहने पर काबे नबी पाक ने गिरा दिया है तो पता नहीं करने लगे। फरमाया कि मैंने खदशा है लोगों के जज्बात खराब हो गए, बंदे पीछा हटने शुरू हो जाएंगे, लिहाजा मेरा दिल करता है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चूंकि रवायत सुनी से अपनी खाला आयशा पाक को कि सरकार की ख्वाहिश है, नबी पाक सरकार की ख्वाहिश पाक के मुताबिक उन्होंने तमीर फरमाई। सरकार ने फरमाया कि मेरा दिल करता है तमीर करूँ लेकिन दरवाजा उसका एक ही रखो, उसी से ही लोग दाखिल हों और फिर उससे बाहर निकले। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर सरकार ने फिर सरकार के उस फरमान से रवायत के मुताबिक एक ही दरवाजा रखा, उस ही तमीर चली आ रही। इमाम मालिक सरकार ने मना फरमाता, फरमाया नहीं तमीर दोबारा नहीं की जाएगी। उस वक्त तो लैके तो हूं तक वही तमीर चली आ रही है, तजीनो आरायश कीमती तरीन गिलाफ। अच्छा फिर बाज़ रिवायत के मुताबिक बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक कबर भी खाने काबे के कोल, जनाब इब्राहिम इस्माईल जनाब याकूब और 300 अंबिया अलैहिस्सलाम या 70 अंबिया रिवायात के इख्तलाफ के नाल ऐसे जिन्हें मुबारक कबर खाने काबे के करीब ने। लेकिन बाद दे मुज्तहिदीन ते साबा पाक ने इज्तिहाद किया इस गल से कि अगर ये मुबारक कबर भी हो फिर काबे का तवाफ मकसूद नहीं होगा, फिर कबर दरमियान च आ जाएंगे, लिहाजा कबर नीचे ने और तवाफ काबा हो रहा है और यो जगह है कि जिथे मंगिया दुआं कबूल होंदिया ने। अल्लाह ताला मुकद्दस ते मुबारक मुकाम की बरकत नाल अल्लाह आलम इस्लाम ते रहम फरमाए।